मूडीज ने भारत की रेटिंग के साथ ही देश में राजमार्गों का निर्माण करने वाली सरकारी संस्था NHAI की रेटिंग भी BAA3 से बढ़ाकर BAA2 कर दी है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में माना NHAI के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप राजमार्ग निर्माण की रफ्तार बढ़कर 23 किलोमीटर रोजाना हो गई है और वह दिन दूर नहीं जब देश में 40 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण होने लगेगा। प्राधिकरण ने वर्ष 2017-18 के लिए 6500 किलोमीटर राजमार्गों के अनुबंध देने का लक्ष्य तय किया था। 4500 किलोमीटर सड़कों के टेंडर दिए जा चुके हैं। लक्ष्य को बढ़ाकर 10500 किलोमीटर किए जाने की संभावना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नीति आयोग ने भी सड़क परियोजनाओं में तेजी की पुष्टि की। प्रधानमंत्री के समक्ष पेश प्रेजेंटेशन में आयोग ने कहा कि 2016-17 के दौरान 4 और 6 लेन के कुल 26,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हुआ और इस रफ्तार में बढ़ोतरी जारी है। नीति आयोग ने प्रधानमंत्री के समक्ष ग्राम सड़क योजना की तस्वीर भी पेश की। इस योजना के अंतर्गत रिकॉर्ड 130 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है। 2016-17 के दौरान 47,400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ और 11,000 से भी ज्यादा गांवों को इनसे जोड़ा गया। अटकी परियोजनाओं की अड़चनों को दूर किए जाने के लिए हाइब्रिड एनिटी जैसे आकर्षक नए मॉडल प्रस्तुत किए गए। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में माना कि आने वाले दिनों में NHAI द्वारा दिए जाने वाले नए अनुबंधों के परिणाम स्वरूप भारतमाला प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को गति मिलने की आशा है। इसी जमीनी हकीकत को देखते हुए डेट तथा इक्विटी लगाने वाले निवेशक अब भारतीय सड़क क्षेत्र में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। दरअसल रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक रुख का फायदा NHAI को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ती दरों पर ज्यादा कर्ज उठाने के रूप में मिलेगा, जिससे वो पहले के मुकाबले ज्यादा परियोजनाओं के अनुबंध देने के साथ साथ राजमार्ग निर्माण के नए आंकड़े छूने की स्थिति में होगा।